इस दुनिया में हम इंसानों को हैरान करने के लिए कई सारी अनोखी कहानियां मौजूद हैं, लेकिन आज की कहानी डायरेक्ट आपके दिल को छू जाएगी, क्योंकि एक 91 साल की महिला का पिछले 60 सालों से प्रेग्नेंट होना किसी अजूबे से कम नहीं है। और आज हम आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने वाले हैं जिसकी कहानी सुनकर तो दोस्तों वाकई में आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और आज हम ये नहीं कहेंगे कि वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहना, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है आप खुद इस वीडियो को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। दोस्तों, 91 साल की अस्टेला मेलेंडेज अपने हस्बैंड मैनुअल के साथ चिले में रहती थी, जहां ये और इनके हस्बैंड बहुत ही खुशहाल जिंदगी बिताते थे। इनके हस्बैंड एक फिशरमैन का काम करते थे और इनके घर में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। एस्टेला और इनके पति के बीच अटूट प्यार था, तभी तो इन दोनों ने अपनी शादी को पूरे 74 सालों तक बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाया। ये दोनों पति पत्नी अपनी शादी की शुरुआत से ही बहुत ही खुशहाल जिंदगी की कामना करते थे। इसी वजह से इन्होंने न सिर्फ अपने लिए अच्छा सोचा, बल्कि ये आए दिन लोगों की मदद भी करते थे और एक दूसरे के साथ काफी अच्छा समय बिताते थे, जहां ये दोनों एक दूसरे का सबसे बड़ा सहारा थे। लेकिन जनवरी 2015 को एस्टेला की लाइफ पूरी तरह बदल गई, क्योंकि 2015 में इनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसको आज भी पूरी दुनिया याद करती है। असल में दोस्तों, 2015 के शुरुआती समय में ही इनके 74 साल की शादी टूट गई, क्योंकि एक दिन अचानक से इनके पति 91 साल की उम्र में इनको और दुनिया को छोड़कर चले गए। यह एस्टेला की जिंदगी का पहला झटका था, क्योंकि अब इन्हें अपनी पूरी जिंदगी अकेले बितानी थी। अपने पति से लगभग एक साल छोटी होने की वजह से इनकी उम्र भी उस समय 90 साल की हो गई थी, और इस उम्र में अकेले जिंदगी काटना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, क्योंकि आपको न सिर्फ घर के काम करने पड़ते हैं, बल्कि आपके साथ सुख दुख बांटने के लिए भी कोई नहीं होता। आप में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि क्या इनका कोई रिश्तेदार नहीं था, बच्चे तो होंगे ही। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि एस्टेला और इनके पति मैनुअल का हमेशा से सिर्फ एक ही दुख था कि ये कभी माँ बाप नहीं बन पाए, क्योंकि कुछ मेडिकल कंडीशन की वजह से एस्टेला कभी भी माँ नहीं बन सकती थी। इसी वजह से इन दोनों को ही हमेशा से इस बात का पछतावा था कि इनके घर में इन्होंने किसी भी बच्चे की किलकारी नहीं सुनी। हालांकि अपने एक इंटरव्यू में एस्टेला ने यह भी बताया कि किस तरह इनके पति के मरने से कुछ समय पहले इनके यूट्रस में ट्यूमर निकला था, जिसका ऑपरेशन करके इन्होंने ठीक करवाया, और जब इसके पति की डेथ हुई तब ज्यादा टेंशन लेने की वजह से इनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। लेकिन अब जाहिर सी बात है, 91 साल के एस्टेला अकेले तो डॉक्टर के पास जा नहीं सकती थी, इसलिए इन्होंने अपने एक दूर के रिश्तेदार को इन्हें डॉक्टर के पास ले जाने के लिए बुलाया। और जब ये अपने घर से कुछ दूरी पर मौजूद डॉक्टर के क्लिनिक पहुंची, तो वहां पर इन्होंने जो कुछ सुना, उसे सुनने के बाद उन्हें अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। असल में दोस्तों, जब एस्टेला डॉक्टर के पास गई थी, तो चेकअप के दौरान डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उन्हें ट्यूमर है, जिसे सुनने के बाद इन्हें हैरानी तो हुई, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं, क्योंकि इससे पहले भी एक ट्यूमर हो चुका था, पर इस उम्र में ऑपरेशन करवाना सही नहीं था। इसलिए डॉक्टर ने इस बात को कंफर्म करने के लिए कि ट्यूमर कितना ज्यादा बड़ा है, एक बार और पूरे चेकअप करवाए, और तब जो चीज सामने आई वो काफी हैरान करने वाली थी। असल में दोस्तों, डॉक्टर ने जब दोबारा इनके एक्सरे वगैरह किए, तो उन्हें पता चला एस्टेला की बॉडी में कभी ट्यूमर था ही नहीं, बल्कि टेक्निकल तौर पर ये पिछले 60 सालों से प्रेग्नेंट है और इतने लंबे समय से अपने पेट में फीटस को पाल रही है। इस न्यूज को सुनने के बाद एस्टेला को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा रिएक्शन दे, क्योंकि इन्होंने और इनके पति ने शुरुआत से ये चाहत रखी थी कि इनके घर में बच्चा हो, लेकिन इनकी मेडिकल कंडीशन की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। और अब इतने सालों बाद इन्हें पता चल रहा है कि ये इतने लंबे समय से प्रेग्नेंट है। अब ये चीज सुनने में लोगों को अविश्वसनीय लग सकती है और कई लोग तो हमारी बात को झूठ भी समझेंगे, पर दोस्तों, मेडिकल कंडीशन में ऐसा भी होता है, क्योंकि इनकी इस कंडीशन को लिथोपेडियोन के नाम से जाना जाता है और ये पूरी दुनिया में सिर्फ गिनी चुनी महिलाओं को ही अब तक हुआ है, जहां पर ये जो बच्चे इतने लंबे समय तक अपने मां के पेट में रहते हैं, इन्हें लिथोपेडियंस या फिर स्टोन बेबीज के नाम से जाना जाता है। असल में ये बच्चे अपनी मां की कोख के बाहर डेवलप करना शुरू कर देते हैं
और ये कंडीशन बहुत ही ज्यादा रेयर होने के साथ साथ खतरनाक भी होती है, जिसमें बच्चे और माँ दोनों की जान को खतरा होता है। इसी वजह से जब कभी भी डॉक्टर इस तरह की महिलाओं को देखते हैं तो वो सबसे पहले ऑपरेशन करके बच्चे को बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि कोख के बाहर बच्चे का पूरी तरह से विकसित हो पाना नामुमकिन है। वैसे इस तरह की अधिकतर कंडीशन में जब कभी भी बच्चा कोख के बाहर हल्का फुल्का डेवलप होता है तो वो अपने आप ही दवाई वगैरह की मदद से गल कर बॉडी में डिजोल्व हो जाता है। लेकिन जाहिर सी बात है, स्टेला के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तभी तो इनके कोख के बाहर करीब 60 साल से इनका बच्चा मौजूद है। अगर ये चीज पहले पता चल गई होती तो ऑपरेशन करके इसे इनके शरीर से बाहर निकाला जा सकता था, ताकि आगे चलकर इन्हें दिक्कत ना हो। लेकिन अब आप इसे करिश्मा ही कहिए, इन्होंने पूरे 60 सालों तक स्टोन बेबी को अपने कोख के बाहर पाला है, क्योंकि आज तक इतने लंबे समय तक किसी भी स्टोन बेबी का अपनी मदर के पेट में होना नहीं पाया गया, जिस वजह से डॉक्टर के साथ साथ इस केस के बारे में सुनने वाला हर एक शख्स हैरान था। और जाहिर सी बात है, 91 साल की उम्र में स्टेला के शरीर में ऑपरेशन तो हो नहीं सकता था। इसी वजह से उन्होंने अपने स्टोन बेबी को अपने मरते दम तक अपने शरीर में रखने का फैसला किया, फिर भले ही वो उन्हें नुकसान ही क्यों ना दे। इन्होंने ये बड़ा कदम उठाया सिर्फ और सिर्फ ये सोचकर, इन्होंने इतने लंबे समय तक जब इस कंडीशन को झेल लिया है तो ये आगे भी झेल लेंगी। बस इन्हें अफसोस सिर्फ इस बात का है कि जिंदगी भर इस चीज के लिए चिंता करती थी कि ये कभी अपने पति को पिता बनने का सुख नहीं दे पाई। अगर उन्हें पता होता कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो ये शुरुआत में ही ऑपरेशन करवा कर दोबारा बेबी के लिए ट्राई कर सकती थी, क्योंकि उनके साथ ऐसा भी कोई मेजर इशू नहीं था कि ये कभी मां नहीं बन सकती थी। अगर ऐसा कुछ होता तो उनके पेट में पल रहा ये जो स्टोन बेबी है ये कभी अस्तित्व में ही ना होता। लेकिन ये ना सिर्फ अस्तित्व में आया बल्कि इतना डेवलप हो गया कि इनकी बॉडी में डिसॉल्व ही नहीं हुआ। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि इस तरह के सिचुएशन में किसी महिला के दिल पर क्या बीतेगी। मतलब वो और इनका पति पूरी जिंदगी भर सिर्फ इस बात का दुख मनाते रहे कि वो कभी पेरेंट्स ही नहीं बन पाए, जबकि ये सच ही नहीं था। और इस जज्बे भरी कहानी के बारे में जब बाकी लोगों को पता चला तो ये बात आग की तरह फैलने लगी, क्योंकि जाहिर सी बात है 91 साल की महिला का पिछले 60 सालों से प्रेग्नेंट होना कोई छोटी बात नहीं है। इसी वजह से ज्यादा लोगों ने इनकी कहानी में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। कई सारे लोगों ने इनकी स्टोरी को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो कई सारे न्यूज चैनल भी इनके पास इंटरव्यू लेने आए। पर हर कोई इनसे यही पूछ रहा था कि आपका इस सिचुएशन के बारे में क्या कहना है। तो एक इंटरव्यू के दौरान आंखों में आंसू लिए स्टेला ने ये बोला कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मुझे खुश होना चाहिए या फिर दुखी, क्योंकि मैं और मेरे पति मैनुअल हमेशा से ही पेरेंट्स बनना चाहते थे, लेकिन वो सुख हमें कभी नहीं मिल पाया। और आज जब मुझे पता चला है कि ये चीज पॉसिबल हो सकती थी तो इस बात की खुशी मनाने के लिए मेरे साथ मेरे पति ही नहीं है। और जब इन्होंने मीडिया के सामने ये बात बोली तो लोगों के आंसू भी नहीं थम पा रहे थे। ये रातों रात स्टार बन गई। इसी वजह से इनकी कहानी CNN, ABC और NBC जैसे इंटरनेशनल मीडिया ने इस पूरी स्टोरी को कवर किया। वाकई में दोस्तों, जिंदगी कब कौन सा मोड़ ले ले किसी को भी नहीं पता, क्योंकि भला एक 91 साल की महिला का प्रेग्नेंट होना, वो भी पिछले 60 सालों से, ये बात किसी ने भी नहीं सोची थी। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि अकेली ऐसी महिला नहीं है जिनके साथ ऐसा हुआ है, बल्कि इस दुनिया में ऐसी कई सारी महिलाएं हैं जिन्हें स्टोन बेबी वाली प्रॉब्लम रहती है। अब ये चीज सुनने में काफी अजीब लगती है, लेकिन सच भी उतनी ही है। तभी तो अब तक करीब 300 बार दुनिया भर में इस तरह के स्टोन बेबीज के बारे में डॉक्टर्स को पता चला है। हालांकि इस चीज की काउंटिंग इससे ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि कई बार लोग इस तरह की कंडीशन के बारे में लोगों से खुलकर बात ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि इनकी फर्टिलिटी पर सवाल है। अब बाकियों का तो हमें नहीं पता, अस्टेला की कहानी वाकई में दिल को छू जाने वाली थी। बाकी आपको अस्टेला की जिंदगी के बारे में सुनकर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए अपने होस्ट और दोस्त सैम के इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद।